चकराता में आबकारी विभाग द्वारा शराब ठेका संचालक पर बड़ी कार्रवाई। ओवर ईटिंग के चलते आबकारी टीम ने किया 50,000 का चालान। आपको बता दें कि चकराता में स्थित शराब ठेके में ओवर ईटिंग के चलते आबकारी टीम ने 50,000 का चालान किया। आपको बताते चले कि बीते कई समय से ठेके में ओवर ईटिंग को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठेके के बाहर ना तो रेट लिस्ट सार्वजनिक की गई थी, ना ही टोल फ्री नंबर। इतना ही नहीं, बिलिंग मशीन भी मौजूद नहीं थी। आज जब एक स्थानीय नागरिक बियर की बोतल खरीदने ठेके पर गया, तो ठेके के सेल्समैन ने बियर की बोतल जिसका प्रिंट रेट 135 था, उसने स्थानीय नागरिक से 200 रुपए लिए और शेष पैसे वापस मांगे जाने पर पैसे देने से साफ मना कर दिया। स्थानीय नागरिक द्वारा इस संबंध में थानाध्यक्ष चकराता को लिखित रूप में तहरीर दी गई। मामला बढ़ता देख आपका टीम भी चकराता पहुंची और ओवर ईटिंग चलते ठेके पर कार्रवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना किया। उत्तराखंड समाचार के लिए चकराता से रिपोर्टर महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम विक्रम चौहान है। मुझे बहुत टाइम से फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा MRP ली जा रही है। मैं पहले ही बहुत जगह लड़ा हूँ इस चीज़ के लिए। आज जब मैं यहाँ के मैंने किसी MRP पूछा, तो इस बंदे ने मेरे से बहुत ऐसे बात करी कि मैं तो इतने पे बेचता हूँ, जो करना है आप कर लीजिए। फिर सर मैंने किसी एक और बंदे को भेजा। इस बंदे ने 135 MRP है, 135 200 रुपये लिए गए, 50 रुपये एक्स्ट्रा। मुझे वो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया था। मैंने उस चीज़ पर मैंने बात करी, मैंने यहाँ के सर को फ़ोन किया, निखिल चौधरी जी को। ये आए, इन्होंने उस चीज़ को माना है, आए, बिल्कुल आए, कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे मैं आपसे क्षेत्र यहाँ लोगों से यही बात करना चाहता हूँ, जो भी खाने पीने वाले हैं, आप आइए, आप रेट लिस्ट चेक करिए, आप उस पर खरीदिए। आप फालतू पैसे नहीं दे सकते हैं। आप भी मैंने मजदूरी करते हो, आप कमाते हो, फालतू पैसा आपका भी है नहीं है, किसी जनता का फालतू पैसा नहीं है। ये ठेका खोल के बैठे हैं, ये गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इन्होंने पे MRP फिक्स करी है, तो ये भी लॉस में नहीं जा रहे हैं। ये फालतू नहीं खा सकते। आज ये किसी की समस्या नहीं है कि और बंदा भी आ सकता है, बाहर से आ रहे हैं लोग, उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ें नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं सर से प्रार्थना कर रहा हूँ, सर आप प्लीज़ इस पर आप कार्रवाई करिए। और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको कुछ जो करना है मैं कर रहा हूँ, जो भी नहीं खिलाफ कार्रवाई करिए सर। सर इसमें कोई हाथ नहीं ना अधिकार है। अभी जो है विक्रम जी द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया गया कि खाने पर ऐसा हंगामा हो रहा है, तो लाइन ऑर्डर की व्यवस्था देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद देखा कि ऐसी प्रक्रिया है, जो रेट लिस्ट इन्हें लगाने के लिए कहा गया कि रेट लिस्ट बाहर लगाइए। और इस संबंध में आप अगर पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई चाहते हैं तो लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। हम संबंधित डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर महोदय को या फिर इंस्पेक्टर महोदय को इस बारे में सूचना देंगे और आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे।